चलिएगा। तो अब अपन बनाएंगे इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हमने वर्किंग सारी बना ली है। अब सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो कैश फ्लो है, अब हमने उसके लिए वर्किंग्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं। कैश रिसीट्स फ्रॉम, सबसे पहले हम लेते हैं कि हमें जो कैश मिला है किसके द्वारा, सेल्स का। तो हमने इसका वर्किंग नंबर वन बनाया हुआ था कि हमें कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल्स हुई थी 3177। तो लिख दीजिए यहां पर कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल्स 3177। इसके बाद हमारे पेमेंट थे कैश पेमेंट फॉर परचेजेस के लिए पेमेंट। आइएगा तो जब हम परचेजेस के पेमेंट की बात करते हैं तो हमने उसके लिए वर्किंग नंबर टू बनाया था जिसका हमारा अमाउंट आया था परचेजेस का पेमेंट 2028। तो यहां हम लिख देंगे 2028 और उसके बाद हमारा था पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, तो वो आपके पास आया था 777। ये आपके पास एक्सपेंसेस के दो पेमेंट थे। टू जीरो टू एट प्लस 777 तो 2805। ये आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपका आ गया 3177 माइनस 2805 तो ये आ गया 372। नाउ इनकम टैक्स पेड, अब हमने टैक्स पेमेंट किया है तो क्वेश्चन में आपको टैक्स पेमेंट डायरेक्टली गिवन था। क्वेश्चन में आपने ड्यूरिंग द ईयर 95 का टैक्स पेमेंट किया है। सर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्या 2805? लगा दिया ना। तो अब आपके पास आया कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब अगर क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो वो यहां एडजस्ट होगा और नहीं है तो यही मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन में देखिए इनकम स्टेटमेंट में आपको एक गवर्नमेंट कंपनसेशन की इनकम दी हुई है तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या मिली है, इनकम मिली है।
इसमें लिख दीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, कंपनसेशन की 50, ये लीजिए। तो 277 प्लस 50, 327 आपके पास आ गया नेट कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है जो कभी कभार हमारे बिजनेस में होते हैं, ठीक है, यानी जो आपको अलग से पता लग जाएगा। जैसे देखो कंपनसेशन है, क्या आपने को कंपनसेशन हर साल मिलेगा? नहीं। अगर मान लो हमारे बिजनेस में हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो क्या इंश्योरेंस क्लेम हर साल मिलते हैं? नहीं। समझ रहे हो? कोई भी ऐसे लॉसेस या ऐसी इनकम जो किसी एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हुई है उन्हें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोलते हैं। सर लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज आ सकता है इसमें? बिल्कुल। सर वो इनकम थोड़ी ना अपनी लॉसेस हो रहे हैं, तो है ना लॉसेस भी तो आएंगे, लेकिन समझो वो कैश फ्लो को अट्रैक्ट करना चाहिए। आप समझ रहे हो? अब जैसे मान लो आग लगने से आपका असेट डिस्ट्रॉय हुई तो कैश फ्लो में यहां तो फर्क पड़ेगा ही नहीं ना उसका, इसलिए जनरली यहां पर हम इनकम्स के पॉइंट ज्यादा होते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स आपको हो रही हैं, इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको वो आ गया। मिसलेनियस इनकम आएगी क्या? मिसलेनियस इनकम मतलब बिल्कुल अगर कोई ऐसी मिसलेनियस इनकम है जो आपको दे रखी है तो हम ये मानेंगे कि अगर उसका कोई नेचर नहीं दिया हुआ है तो वो ऑपरेटिंग नेचर की ही होती है, ठीक है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपको बहुत आराम से पता लग जाएंगे, क्वेश्चन में अलग से ही दे रखे होते हैं इन्होंने आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपके पास आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब बी पॉइंट, ये लीजिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो इस पूरे क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपको कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, जो आपकी असेट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो ना तो आपका कोई असेट परचेज या सेल की इंफॉर्मेशन है, ना आपके पास किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की बात है, ना कोई इनकम की बात है। तो इसका मतलब आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कोई कैश फ्लो नहीं है। ये लीजिए मैंने डैश लगा दिया। अब आ जाइए सी हेडिंग। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए अब जरा अपन फाइनेंसिंग पर जाते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो स्टार्टिंग से चलते हैं, आपने शेयर कैपिटल इश्यू की थी इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो आपके पास कैश आया होगा। तो यहां लिख दीजिए इश्यू ऑफ कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर्स, ब्रैकेट में लिख दो इंक्लूडिंग प्रीमियम 240, आपके पास पैसा आ गया। नेक्स्ट आपने डिवेंचर्स का रिडम्शन किया है प्रीमियम पर, यानी रिडम्शन के टाइम पर आपने 306 का पेमेंट किया है, तो लिख दीजिए रिडम्शन ऑफ डिवेंचर, पैसा चला जाएगा।
तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 306, ये आपका पैसा चला गया। सर इंक्लूडिंग प्रीमियम भी तो आएगा, लिख दिया ना 306, रिडम्पशन के नाम से ही आ जाता है, उसके लिए प्रीमियम को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखाओगे तो भी ठीक है, नहीं दिखाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आइए, अब आपने लैंड टू डिवेंचर की कोई अकाउंटिंग है तो डिवेंचर इशू किए हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपने डिवेंचर्स इशू किए हैं, आपको क्वेश्चन में ये दे रखा था 10% वाले डिवेंचर इशू किए हैं। अब जरा सोचो, आपने लैंड परचेस की और नहीं, डिवेंचर में तो आपको कुछ दे ही नहीं रखा, दे ही नहीं रखा ना सर। हाँ ठीक है, ये डिविडेंड का पेमेंट दे रखा है आपको 100 का, सर लेस हो जाएगा डिविडेंड पेमेंट 100। अब जरा इनकम स्टेटमेंट में देखिए, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या आपको कुछ और पॉइंट दे रखे हैं? हाँ, आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे किया है 15 का। अब देखिएगा इनकम स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है, तो डिवेंचर पर इंटरेस्ट देना, इसका मतलब ये हो गया कि हमने जब डिवेंचर्स को रिडीम्ड किया उससे पहले हमने उन पर इंटरेस्ट का भी पेमेंट किया है, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा। पीएनएल में दिया हुआ है तो इसका मतलब पेमेंट हुआ है, कितना 15 15। बस और कोई आइटम? डेप्रिसिएशन होता नहीं है, कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ किया है तो राइट ऑफ की कोई एंट्री होती नहीं है आपकी, बस क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप निकाल लीजिए फाइनेंसिंग का नेट कैश फ्लो क्या आया हमारे पास, तो देखो 306 नेगेटिव और 115 नेगेटिव और 240 पॉजिटिव, तो 181 नेगेटिव आ गया। So 181 नेगेटिव, इसे हम लिखेंगे कैश यूज्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास तीनों कैश फ्लो बाहर आ गए तो इससे हमारा निकलेगा नेट इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव बचेगा 518 नहीं, 327 में से 181 माइनस होगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 146 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास 140। अब इसमें आप प्लस कर दोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ तो देखिए आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है कितना 102, तो अब आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 248। और ये आपके क्वेश्चन में दिए हुए क्लोजिंग बैलेंस से मैच करना चाहिए, तो इसका मतलब आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बन गया है, तो आपको 248 ही उसने क्या दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है।
देखिएगा, टू ये आपका है दिसंबर 2010 निकालेंगे, दिसंबर 2010 देखिए इसने क्या पूछा है। अब इस क्वेश्चन में समझिएगा, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31st 10। उसने आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर ही दे दिया है, नेट प्रॉफिट, फिर एड, आपने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, डेप्रिसिएशन, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लोन रेज्ड, डिक्रीज इन स्टॉक, फिर नीचे लेस में उसने परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्रेडिटर, सबको मिला मिला जुला कर एक बनाकर दे दिया और ओपनिंग कैश बैलेंस जोड़ के क्लोजिंग निकाल दिया। ये बोल रहा है कि आपको एस थ्री को फॉलो करते हुए इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को रीड्राफ्ट करना है। उसने कैश फ्लो तो बनाया, जो भी कैश फ्लो हुए वो सब उसने लिख के दे दिए, लेकिन वो ये बोल रहा है कि आपको इसको क्या करना है, रीड्राफ्ट करना है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड। आइएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब देखिएगा, हमें इस बार इसने डायरेक्टली एक नेट प्रॉफिट दे रखा है 600। इस बार हमें बैलेंस शीट के डिफरेंसेस ना देकर डायरेक्टली दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। एज गिवन, ध्यान से समझना बिल्कुल, आपको नेट प्रॉफिट दे दिया। आओ, क्या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके ऑपरेटिंग आइटम है? नो सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होएगा। बिल्कुल छोड़ दो। क्या डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है जो आप पीएनएल में लिखते हो? यस सर। तो आपने जब ये नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो नेट प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड होएगा उसके अंदर। डेप्रिसिएशन को आपने लेस कर रखा होगा, तो मैं इसे ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन आपको कितना दे रखा है? 110। और आगे बढ़ते हैं, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आएगा नहीं क्योंकि ये फाइनेंसिंग का आइटम है अभी, लोन रेज्ड भी नहीं आएगा, डिक्रीज इन करंट असेट ये अभी हमारे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट है, आ जाओ, परचेज ऑफ फिक्स असेट नहीं, इंक्रीज डिक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन डेटर, एक्सचेंज गेन, ध्यान से समझिएगा, अब हमें दे रखा है एक्सचेंज गेन। बताइए क्या एक्सचेंज गेन और लॉस आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? सर नॉन कैश आइटम थोड़ी ना है। क्या चीज? एक्सचेंज गेन और लॉस नॉन कैश आइटम ही होता है, आप समझिए। अब आपको समझना पड़ेगा इसके लिए कि एक्सचेंज गेन और लॉस क्या होता है। देखो क्या होता है, आप जब भी कोई फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन करते हो और ट्रांजैक्शन करने के बाद ईयर एंड तक, ट्रांजैक्शन करने के बाद ईयर एंड तक अगर उस एक्सचेंज रेट में कोई भी चेंज हो जाता है, उस वजह से जो गेन और लॉस आता है उसे हम कहते हैं एक्सचेंज गेन और लॉस। आप बात को समझिएगा, हमें ये दे रखा है कि हमने एक्सचेंज गेन को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन एक्चुअली में ये जो फॉरेन एक्सचेंज गेन है अब वो हमें पता ही नहीं है कि कैश में मिला कि नहीं मिला, आप समझ रहे हो, हमें गेन और लॉसेस कभी कैश में नहीं मिलते,
जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, सिंपली सोचना, मान लो आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट 120 पर बेचा, तो आप उसकी सेल वैल्यू 120 लोगे? हम कभी भी ये थोड़ी लिखते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैश में मिल गया, वो तो एक एंट्री है, केवल अकाउंटिंग का पार्ट है। आपने जब बैंक में पूरा अमाउंट ले लिया तो कैश में तो वो काउंट होगा जो बैंक में आया, एक्सचेंज गेन और लॉस कभी भी कैश में नहीं हो सकते। लेकिन पीएनडल में आते हैं तो आपने पीएनडल अकाउंट बनाते समय एक्सचेंज गेन 80 लिखा होगा, तो ये प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रखा है, इसको लेस कर दो, माइनस क्या करोगे? एक्सचेंज गेन कितने का? 80 का। सर नहीं समझ आया। नहीं सर, अगर एक्सचेंज लॉस होता तो अपने ऐड करते ना उसे। बिल्कुल, देखो मैं आपको यहां समझाता हूं, एक मिनट रुको, साइड में लेके चलता हूं पहले मैं इसको, ताकि मेरे पास पेपर बढ़े। यहां समझना, देखो क्या हुआ, ये कौन है, ये एक पर्सन है ए, ध्यान से समझना बिल्कुल। इसने क्या किया, $10,000 का गुड्स सोल्ड किया है, और जिस दिन माल बेचा उस दिन $1 की रेट 40 रुपए थी। बताओ, यानी आप ये बोलोगे ना कि आपको 10,000 इंटू 40 रुपए मिलने वाले हैं, तो 4,00,000 रुपए मिलेंगे आपको। यस सर। आ जाओ, अब क्या हुआ, यहां पर आ गया ईयर एंड। ईयर एंड पर $1 की वैल्यू 42 रुपए चली गई। बताओ, अगर मुझे $10,000 आज मिल जाएं ईयर एंड पर मान लो, तो आज मैं जब उन डॉलर को कन्वर्ट करवाने जाऊंगा तो मुझे 42 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यस सर। 20,000 एक्सेस। मैंने इनिशियली तो 40 रुपए पर रिकॉर्ड किया था। हाँ सर। लेकिन मिल कितना गया? 2 रुपीज मोर, 42। जो 2 रुपीज का गेन हुआ ना, इसे बोलते हैं एक्सचेंज गेन और लॉस। इसे क्या, अगर इधर 38 होता तो इधर एक्सचेंज लॉस हो जाता। अगर ये रेट गिर जाती तो मुझे नुकसान हो जाता कि नहीं हो जाता? यस सर। वो कहलाता है एक्सचेंज लॉस। यानी एक्सचेंज गेन या लॉस का मतलब है जब भी हम फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करवाने की बात करें तो ओरिजिनल रेट और एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन जो गैप आ रहा है रेट में, उसकी वजह से जो गेन और लॉस आया उसे हम एक्सचेंज गेन और लॉस बोलते हैं। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। कृष्णा, चलो मैं आपको इसको एंट्री से समझाता हूं कि क्यों ये कैश फ्लो में नहीं आता। कृष्णा, ये बात तो समझ आ गई, 42 आया तो गेन हो गया। कहां गई कृष्णा? आओ, मान लो मैं एंट्री करूंगा तो एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 4,20,000 रुपए। टू डेटर्स 4,00,000 रुपए और टू एक्सचेंज गेन कितना? 20,000। फिर मैं एक एंट्री और डालूंगा और वो एंट्री डलेगी, सॉरी, एक्सचेंज गेन अकाउंट डेबिट टू पीएनडल, क्योंकि वो एक्सचेंज गेन मेरे पीएनडल में चला जाएगा। हाँ जी बोलो। क्रेडिट साइड जाएगा ना? हाँ, एक्सचेंज गेन अकाउंट डेबिट टू कृष्णा हो के गए? हाँ सर। हाँ, चलो अब मेरे को एक बात बताओ,
ये बैंक में जो पैसा आया ये तो कैश में काउंट होगा, बट ये एक्सचेंज गेन टू पीएनडल क्या कैश पर इफेक्ट डाल रहा है क्या? ये एंट्री क्या कैश में इफेक्ट डाल रही है? नो सर। लेकिन मैंने पीएनडल में तो बाय साइड में ये लिख दिया ना 20,000, हाँ सर। तो इसका मतलब अब आप समझो, मैंने जब ये पीएनडल बनाया होगा तो ये जो 600 आया होगा इसमें क्रेडिट एंट्री एक्सचेंज गेन की हुई होगी या नहीं हुई होगी, तो हुई होगी। उसको हटा रहा हूं मैं। ओके सर। क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी हटेगा क्योंकि ये भी आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो माइनस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? 120, ये भी हटा दो। और देखो और कोई पॉइंट है क्या? खत्म, बस। डिविडेंड पेड तो आया ही नहीं है क्योंकि डिविडेंड पीएनडल में आता नहीं है। हाँ जी, अब इंटरेस्ट पेड मुझे बताइए क्या इंटरेस्ट, समझना, सोचो उसने आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है और अब इंटरेस्ट पेड दे रखा है, मुझे ये बताओ ये 600 के बाद आपने इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? आप समझना, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझना। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले जो जो आइटम ऐड वाले थे उन सबको जोड़ दिया तो वो आया 1665। फिर उसने जितने भी पेमेंट थे वो लेस किए तो आपके पास नेट कैश आया। बात समझ आ रही है? मुझे ये बताओ क्या ये 600 का नेट प्रॉफिट के बाद आपने इंटरेस्ट माइनस किया है या पहले किया है? सर पहले ही कर दिया था ना। कैसे? अगर पहले ही कर दिया होता, समझना बात को, तो आपको अब ये 9.45 लेस क्यों कर रहा होता दोबारा? सर एक बार रिपीट करना मेरी बात पॉइंट। को फिर सुनना। इसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 600, ठीक है? उसके बाद कुछ आइटम दिए हुए हैं जिसको इसने ऐड कर रखा है, समझ में आई? तो टोटल बैलेंस आ गया 1665। उसके बाद उसने कुछ आइटम लिखे हुए हैं जिनका टोटल उसने 1070.45 लेस किया है। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, जब इसने इंटरेस्ट पेड 9.45 अब लिखा है तो क्या इस 600 को निकालते समय आपको इसका क्या एडजस्टमेंट करना चाहिए? अब यहां पर थोड़ा सा हमें समझना होगा पॉइंट को, बस, कि क्या ये 9.45 पहले एडजस्ट हो चुका है या नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये पीएनडल में हो चुका है तो वापस से एडबैक होगा। ये समझ रहे हो एडबैक क्यों होगा? ये खर्चा है, इंटरेस्ट का पेमेंट आपने खर्चा किया, इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे तो मुझे ये बताओ क्या इंटरेस्ट देना आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है क्या? क्या इंटरेस्ट पे करना आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है क्या? बोलो भाई, देखो बहुत सोचना पड़ेगा इनके आइटम्स पर कि कौन से आइटम जा चुके हैं कौन से आइटम नहीं गए हैं। इंटरेस्ट का पेमेंट मैंने आपको बताया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। यस सर। अब आओ मैं आपको एक और चीज बताता हूं, चलो थोड़ा और अंडरस्टैंड करना। ये एक्सचेंज गेन जैसे समझा मैं आपको वैसे ही समझाता हूं। सुनना मेरी बात को ध्यान से। देखो क्या हुआ, ये एक कंपनी है जिसने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, है ना? अब सुनो,
डिवेंचर्स ऑफ रुपी 1 लाख ठीक है यहां तक। इसका मतलब ये हो गया कि इन डिवेंचर पर आपका 10% का क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट कितना? अब दो टर्म्स आपके पास एग्जाम में यूज होती हैं, बस आप ये दो टर्म्स समझ जाओ तो आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। एक होता है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और दूसरी टर्म होती है इंटरेस्ट पेड। पेड दो टर्म्स हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट पेड। अब मैं बनाता हूं पीएनडल अकाउंट। जब मैं अपना पीएनडल अकाउंट बनाता हूं तो मैं यहां लिखता हूं टू इंटरेस्ट, एक्सपेंस जो भी अमाउंट होता है, और फिर आता है टू नेट प्रॉफिट। समझ में आया? हमेशा जो खर्चा होता है वो आप पीएनडल में लिखते हो और आफ्टर दैट आप क्या निकाल लेते हो, अपना नेट प्रॉफिट। अब मुझे बताओ पीएनडल में इंटरेस्ट पेड गया या इंटरेस्ट का खर्चा जाता है? सर इंटरेस्ट का खर्चा गया है। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि खर्चा और पेमेंट अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरा इस बार का इंटरेस्ट का खर्चा 10,000 बनता हो और मैंने पेमेंट 8,000 ही किया हो। पीएनडल में पेमेंट नहीं जाता, खर्चा जाता है हमेशा। पीएनडल में पेमेंट नहीं जाता, क्या जाता है? खर्चा। अब यहां पर हम एक अजम्पशन ये जरूर मान लेते हैं कि, समझना बात को बहुत ध्यान से, कि इंटरेस्ट का खर्चा और पेमेंट अगर एक ही हो, इंटरेस्ट का खर्चा और इंटरेस्ट का पेमेंट एक ही हो, अगर ऐसा होता है तो वो जनरली आपको बस इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख के छोड़ देता, या वो लिखता ही नहीं तो हमें डिवेंचर की वैल्यू पर इंटरेस्ट निकालना पड़ता। अब की बार उसने एक पॉइंट स्पेसिफाई किया है और इसको वो बता रहा है कि ये केवल एक पेमेंट का अमाउंट है, ये केवल क्या है, पेमेंट का अमाउंट है। अब हमें ये पता है कि जो आइटम हम ऑलरेडी अपनी बुक्स में लिख चुके होते हैं उसका एक ही जगह एडजस्टमेंट होता है। पता आपने बचपन में एक टॉपिक पढ़ा था एडजस्टमेंट्स विथ अकाउंट्स, पढ़ा था क्या? Yes, sir. Standing salary और prepaid और ये सब, prepaid expenses, ये सब। इसका एक रूल होता है, अगर आपने जैसे outstanding का कोई point आपको additional information में दिया है तब तो आप उसका दो जगह adjustment करते हो, दो बार treatment करते हैं सर। लेकिन अगर कोई आइटम आपको books of accounts के अंदर दे रखा है, trial balance में दे रखा है, एक बार ही होगा adjustment, केवल एक ही बार होगा। अब उसने आपको ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का दिया है, इसका मतलब इसमें जितनी भी आइटम है वो एक ही बार एडजस्ट हो सकते हैं, दो बार एडजस्ट नहीं हो सकते। मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनना, तो ऐसे क्वेश्चन आगे देखो तीन आने वाले हैं स्कैनर में, दो या तीन बार आया है ये पॉइंट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट पेड। अगर मान लो वो मुझे क्वेश्चन में केवल इंटरेस्ट का एक्सपेंस देता तो फिर वो इसका मतलब पीएनडल में जा चुका है, उसकी अकाउंटिंग केवल पीएनडल के थ्रू हुई है। और अगर उसने मुझे इंटरेस्ट पेड का डेटा दिया तो ये प्योरली अब मेरे फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगा,
रीजन ये पीएनएल से लेना देना ही नहीं है ना सर, हाँ, इंटरेस्ट और पेड का। क्यों नहीं है? नहीं है, आप समझे नहीं, वापस मेरी बात को सुनना। इंटरेस्ट पेड का बिल्कुल लेना देना है, लेकिन वो कब है वो समझो। अगर इंटरेस्ट पेड की इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दी जाए, समझ रहे हो मेरी बात को, यस सर, अब क्लियर हो गया। अगर मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखता कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, तो इसका मतलब पहले मैंने एक्सपेंस बुक की करना है मुझे और फिर उसका पेमेंट करना है। दो बार एडजस्टमेंट होगा, तब दोनों बार एडजस्टमेंट होगा। लेकिन अगर मुझे ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर केवल पेड दे रखा है, तो अब ये पीएनडल में नहीं जाएगा। पेड देने का मतलब है ये केवल और केवल किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और अगर इंटरेस्ट का एक्सपेंस दे रखा होता, तो इसका मतलब ये प्योरली कहाँ जाता, पीएनडल का आइटम बनता। थोड़ा सा इसको ट्रिकी पॉइंट है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप चाहो मैं आपको लिखवा भी देता हूं ये पॉइंट, आप लिख लो एक नोट डाल के अलग से। व्हेनेवर देयर इज, व्हेनेवर देयर इज एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, देन एडजस्टेड टू टाइम्स। एडेड टू प्रॉफिट एंड लॉस और शोन इन फाइनेंसिंग। शोन इन फाइनेंसिंग अगर आपको एडजस्टमेंट करना है डिवेंचर इंटरेस्ट का, तो फिर दो जगह एडजस्ट होगा। If already adjusted, then, अब अगर एडजस्टमेंट नहीं करना है, आपको ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेटा दे रखा है, तो अगर ऑलरेडी एडजस्टेड है तब इफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस गिवन, इफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस गिवन, तो एडेड टू पीएनडल ओनली, और इफ इंटरेस्ट पेड गिवन, समझ आ रही है मेरी बात, अगर ऑलरेडी एडजस्टेड है यानी बुक्स में दे रखा है, अब आपको ढूंढना है कि क्या आपको इंटरेस्ट का एक्सपेंस दिया हुआ है या इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है। अगर ये इंट फाइनेंसिंग में जाएगा फिर। बिल्कुल अगर इंटरेस्ट पेड है तो शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको हाईलाइट कर लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से है तो पीएनडल में शो करोगे, और अगर इंटरेस्ट पेड दिया है तो फाइनेंसिंग में जाओगे।
और जब एडजस्टमेंट के तौर पे काम करोगे तो दोनों जगह होगा। ये गलती बहुत बहुत बार स्टूडेंट से होती है कि अब उसने आपको केवल पेड दिया तो बच्चा क्या करेगा, पीएनडल में भी ऐड कर देगा और फाइनेंसिंग में भी दिखा देगा, आंसर मैच नहीं करेगा। या अगर इंटरेस्ट का एक्सपेंस दे रखा है तो भी वो दोनों जगह दिखा देगा कि एक्सपेंस है तो पीएनडल में तो ऐड बैक कर दो और फाइनेंसिंग में लेस कर देना। नहीं, क्यों? क्योंकि अभी ये आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड दे रखा है तो इसका वन एडजस्टमेंट तो हो चुका है, अब मुझे इसका केवल एक सिंगल एडजस्टमेंट करना बाकी है। तो अगर एक्सपेंस के नाम से दिया हुआ है तो अब मैं केवल उसे पीएनडल में एड बैक करूंगा और पेमेंट में नहीं दिखाऊंगा, और अगर इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है तो मैं उसे एड बैक नहीं करूंगा, केवल फाइनेंसिंग में दिखाऊंगा। बोलो। हाँ जी बोलो। ये इफ ऑलरेडी एडजस्टेड मतलब अपन को पता कैसे चलेगा कि वो एडजस्टेड है या नहीं है? आपको अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग डेटा दे रखा है और उसमें लिखा हुआ है तो वो एडजस्टेड है, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है तो वो नॉट एडजस्टेड है। ओके सर। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन में उसने ना ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करके आपको डेटा दिया है। That means adjusted है। हाँ, extract दिया है आपकी books का, तो ये adjusted है, तो अब एक ही जगह adjust होगा। तो इसलिए अगर मुझे उसने interest paid दिया हुआ है ना, तो उस case में मैं क्या करूँगा? केवल और केवल financing में show करूँगा। Yes sir। अभी मेरे, मैं देखता हूँ मेरे को एक question अगर और मिले। अब जैसे देखो, तो नहीं है मॉड्यूल में, उसमें है एफएम के मॉड्यूल में जहां पर हम एडजस्ट करेंगे उसे। चलो आएगा तब अपन उसको देख लेंगे। पॉइंट क्लियर है वाला? ये लिख लेना ये पॉइंट पूरा। यस सर, क्लियर। ताकि ये ध्यान रहे कि ये आइटम इस तरह से एडजस्ट हो रहा है आपका। ठीक है, तो वो आइटम मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आ गया, लेकिन क्या नहीं लिखा मैंने? डिवेंचर इंटरेस्ट की यहां तक मैंने कोई अकाउंटिंग नहीं की। तो अब मेरे पास जानते हो क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। छह सौ प्लस 110 और माइनस 200, 510। 510। फाइव वन जीरो। बोलो क्लियर यहां तक?